दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किसी भी डिज़ाइन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मतलब कि हम जब किसी भी मोटिव को ढूंढते हैं डिज़ाइन के, तो कभी कभी हमें वो डिज़ाइन ब्लर में मिलती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। लेकिन हम इस डिज़ाइन का उपयोग करके हम डिज़ाइन का क्रिएशन ऑल ओवर या किसी में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बेहतर कैसे बनाएं? अब मुद्दा हमारा ये आता है। तो इसके लिए हम फोटोशॉप का ही उपयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बहुत बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ऑन करते हैं और उसी ही डिज़ाइन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपका सबसे पहला इसमें टास्क आता है कि आप इमेज में आके इमेज साइज पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसके रेजुलेशंस को बढ़ा दीजिए बेहतर से बेहतर। तो जहाँ आप जिस डिज़ाइन का उपयोग करने वाले हैं, तो आप उसमें कितना रेजुलेशंस रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रेजुलेशन हो। जितना रेजुलेशन होगा वो इमेज आपकी उतनी फटेगी नहीं और उतनी वो क्लीन बनेगी। उसके बाद आपका दूसरा टास्क आता है कि आप इस इमेज का पहले डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप उसके ऊपर अब वर्क करें कि आप इसे कितना फाइन एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल एक ही ऑप्शन का उपयोग करना है। फिल्टर में आपको मिलेगा शार्पन और उसके अंदर मिलेगा स्मार्ट शार्प। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी ये जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, अमाउंट एंड रेडियस एंड नॉइस, आप इसमें इसका नॉइजिंग कितना रखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इमेज आपकी नॉइजिंग के ऊपर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव देगी। प्लस इसमें आपके साइडों से इफेक्ट भी आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, किसमें आप इसमें कितना आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। मीन्स इसके इस रेडिएशन जो है रेडियस, उसके थ्रू इसमें एक क्लियरिटी आपको दिखाई देगी। उसके बाद इसमें आप इसका मेजरमेंट आप देख लीजिए नॉर्मली, क्योंकि इस मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगे तो आपकी ऑब्वियसली जो भी डिज़ाइन है वो बेहतर बन जाएगी। उसके बाद आप इसे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद अगर आप देखें तो ये है हमारी नई डिज़ाइन और इसके जस्ट पीछे मैंने रखी है इसकी पुरानी डिज़ाइन। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे साइड में करता हूँ, तो आप अभी इसे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों में आपको कितना फर्क दिखाई दे रहा है। ये है आपकी ब्लर डिज़ाइन और ये है आपकी शार्पनेस डिज़ाइन। अब इसको और बेहतर करने का आपको इरादा है तो इसमें हम थोड़ा सा कैनवास भी अप्लाई करेंगे। तो कैनवास के लिए आप यहाँ पर आइए इमेज में, एडजस्ट एंड कैनवास, शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें इसके कैनवास को नीचे से थोड़ा हाईलाइट करना है हल्का सा, और ऊपर से थोड़ा सा इसे डार्क करना है, जिससे क्या है इसका कलर आपका खिल जाएगा डिज़ाइन में। तो ये खिली हुई डिज़ाइन अब आपको दिख रही होगी, उससे हजार गुना बेहतर आपको ये डिज़ाइन उसमें आपको नज़र आ रही होगी कि ये कितनी बेहतर बन चुकी है। अब इसके बाद आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, तो सिंपल आप इरेजर टूल लीजिए, बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसमें आप सेलेक्शन कीजिए एंड उसके बाद आप यहाँ से लीजिए फाइंड एजेस और इसका जो टोनरेंस है उसको आप 29 या 30 रखिए। उसके बाद सिंपल आप क्लिक करते जाइए, ये आपका बैकग्राउंड ही रिमूव करेगा, बाकी डिज़ाइन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और उससे आप बेहतर तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं एकदम फटाफट उस टूल का उपयोग करके उसमें निकालते जा रहा हूँ और ये डिज़ाइन साफ होती जा रही है। डिज़ाइन निकालने के बाद आप इसका फिर आप जहाँ पर भी इस डिज़ाइन का उपयोग करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से एक ब्लर डिज़ाइन को अट्रैक्टिव में कैसे ला सकते हैं, उसको एक बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसके बाद उसका आप डिज़ाइन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आई होप ये दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आप डिज़ाइन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।